हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस की। ये फ्राइड राइस की रेसिपी बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को बनाने में इसे दिक्कत आता है। राइस ज़्यादा बॉयल हो जाता है या फिर ज़्यादा कच्चा रह जाता है। तो इस वीडियो में आपको परफेक्ट फ्राइड राइस बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप बासमती राइस। ये इंडिया गेट का बासमती राइस है। इसे हमें अच्छे से धो लेना है। हल्के हाथों से चावल को रब करते हुए इसे हम 2 से 3 बार पानी बदल के धो लेंगे। अब इसे हम 30 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। तो जब तक हमारा चावल रेस्ट कर रहा है, तब तक हम एक पतीले में पानी को ले लेंगे बॉयल होने के लिए। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून विनीगर भी डाल देंगे। इससे राइस का कलर काफ़ी ब्राइट वाइट आएगा, तो आप भी विनीगर या फिर लेमन जूस ऐड करें। अब इसमें हम 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी डाल देंगे। और अब हम पहले से भिगो के रखा हुआ राइस को डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर राइस को बॉयल कर लेंगे। लेकिन इसे आपको 100% कुक नहीं करना है, 90% ही पकाना है चावल को। अगर आप 100% कुक कर लेंगे, फिर आपका जो चावल है अच्छे से खिला खिला नहीं बनेगा। और हाँ, बासमती राइस को कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपको बीच बीच में चेक कर लेना है। तो चावल यहाँ पर 90% कुक हो गया है। अब हम इसे फटाफट से निकाल लेंगे और एक थाली में फैला लेंगे। इससे चावल ओवर कुक नहीं होगा और खिला खिला भी रहेगा। अब एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लेंगे और 2 टेबल स्पून घी ले लेंगे। और इसमें हम 1 तेज़पत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी डाल देंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम इक्वल साइज़ की कटी हुई सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम इसमें डाल देंगे गाजर और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट बाद हम कटी हुई इसमें बीन्स भी ऐड कर देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो इन सारी सब्जियों को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है। अब इसमें हम कैप्सिकम भी डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके की रेसिपी ला पाऊँ आपके लिए। और हाँ, आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ लाइक एक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कैप्सिकम को भी फ्राई कर लिया है 1 मिनट के लिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाला है। सब्जियों के साथ इसे हम फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। अब सब्जियों में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा काजू और किशमिश, ताकि सब्जियों के साथ ये हल्का सा फ्राई हो जाए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जल्दी से ये गल जाएगा। तो आप नमक और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही चीनी डाला है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तैयार किया हुआ जो चावल है उसे हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से राइस को हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ताकि चावल टूटे ना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जियों के साथ और आखिर में ऊपर से हम 2 टेबल स्पून घी डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे। आपका फ्राइड राइस एकदम रेडी है। आप इसे किसी वेज या फिर नॉन वेज डिश के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप इस फ्राइड राइस की रेसिपी को ट्राई कीजिए घर में और फीडबैक मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।